गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का दिन है हमारे पास जुमेरा, चौदह जनवरी 2021। आज हम मजमून करेंगे उर्दू का वर्कशीट नंबर दो। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर दो। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर दो। तो निकालिए हर्फ गैन। आज हम करेंगे हर्फ गैन की वर्कशीट नंबर दो। पहला सवाल है हरूफ तहजी लिखें। अलिफ ता गैन, अलिफ ता गैन। सब बच्चे पेंसिल निकाल लो, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। पहले लिखेंगे हम अलिफ। अलिफ के बाद कौन सा हरूफ आता है? अलिफ मद बात क्या आएगा? गैन। दूसरा सवाल है हरूफ गैन को गैन से मिलाइए। ये कौन सा हर्फ है? हर गैन से मिलाइए। तीसरा सवाल है हमारे पास, हरूफ गैन से शुरू होने वाले तो सभी को गैन से मिलाइए और रंग भरिए। अब देखें गैन से क्या क्या तस्वीर बनती हैं। गैन से क्या क्या बनता है? गंगा, गुब्बारा। गैन से तरबूज बनता है? नहीं। गैन से अनार बनता है? नहीं। गैन का वर्कशीट नंबर दो की। फिर हमारे पास है चौथा सवाल, पहले और बाद में आने वाले हरूफ लिखें। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ लिखेंगे। जिम के बाद कौन सा हर्फ आता है? चे। फिर हम लिखेंगे चे। आयन के बाद क्या आता है? वैन। हम लिखेंगे वैन। सीन के बाद क्या आता है? शीन। फिर हम लिखेंगे शीन। तुएं के बाद क्या लिखेंगे? जुएं। और डाल से पहले क्या आता है?
दाल। दाल से पहले क्या आता है? दाल। चीन से पहले क्या आता है? से। ते, टे, से, फिर आता है ना जीम, तो जीम से पहले क्या आता है? तीन नुक्तों वाला से। ठीक है, आज का इतना ही काफी है। आज मेरी वर्कशीट नंबर 2Y, ठीक है, इसकी हमें घर पे जो राइट करनी है, ठीक है, और हमने इसको अच्छे से जहन निशीन करना है, ठीक है, इसकी दोहराई करके और उर्दू कायदा में अलिफ ता गैन की पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।